लीजिए मैम साहब आपकी गर्मा गर्म चाय। तूने मेरा हाथ चला दिया। सॉरी मैम साहब गलती से हो गया। बहन सताक्षी की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तेरे को दिखाई नहीं देता गवार कहीं की मेरा हाथ चला दिया। सताक्षी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? सैम देखो ना इस गवार ने मेरा हाथ जला दिया मेरे ऊपर चाय गिरा दी। कहाँ जला है तुम्हारा हाथ? और तुम जानते हो इसको कौन है ये? कौन है? ये मेरी बहन है। सैम तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये भिखारन तुम्हारी बहन कब से हो गई? सताक्षी इससे ना जबान संभाल कर बात करो। जानसी तुम यहाँ कर क्या रही हो और ये सब चल क्या रहा है? भैया वो मैं इनको चाय देने आई थी और गलती से चाय गिर गई इनके हाथ पे। मैंने माफी मांगी पर इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुमने ना इस पर हाथ उठाकर गलती की। यांशी इसने तुम पर हाथ उठाया ना इसको इसी की भाषा में जवाब दो। थप्पड़ मारो इसको। नहीं भैया क्या बोल रहे हो आप मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं यांशी तुमने गलती की और तुमने इसको सॉरी बोला। एक छोटी गलती के लिए ना सॉरी काफी रहता है। इसको थप्पड़ मारो। भैया अगर मैं भी इनको मारूंगी तो इनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? तू आज भी वैसी है ना तू बिल्कुल भी नहीं बदली। अच्छा ये सब छोड़ तू यहाँ पर चाय देने के लिए क्यों आई? तू कर क्या रही है यहाँ पे? भैया आपको तो पता है भैया मेरे अब्रॉड में रहते हैं वहाँ पे उन्होंने लव मैरिज करके शादी कर ली और सेटल आउट हो गए। और जब पापा की डेथ हुई तो वो आए इंडिया आए वो लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए। मेरे पापा का जितना भी था प्रॉपर्टी शॉप्स जो कुछ था उन्होंने सब कुछ बेच दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ रहूँगी कहाँ जाऊँगी क्या करूँगी। और सब कुछ बेच के वो वापस चले गए। पढ़ाई तो मेरी छूट गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब कुछ ना कुछ करके पेट तो पालना ही था तो मैंने यहाँ चाय की टपरी खोल ली और बस लोगों को चाय पिलाती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया था तूने मुझे बताया क्यों नहीं? एटलीस्ट एक कॉल तो कर देती। क्या बताती भैया किस मुंह से बताती कि इतना सब कुछ हो गया। अरे भैया अब ये सब छोड़ो आप मुझे ये बताओ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं सताक्षी और मैं घूमने के लिए निकले थे। आज ऑफ था ना तो ऑफिस जाना नहीं हुआ इसलिए मैंने सोचा कि चलो कहीं चाय पीने के लिए चलते हैं। अच्छा भाभी। हाँ। ओ हेलो मैं ना तुम्हारी भाभी नहीं हूँ मुझे भाभी मत बोलो। सताक्षी मैं कई बार बोल दिया कि तमीज से बात करूँ और इस बार मैं मुंह से नहीं अपने हाथ से जवाब दूंगा। अरे भैया ये सब छोड़ो आप दोनों ना मेरे साथ आओ मैं आपको एक मस्त चाय पिलाती हूँ चलो। सताक्षी चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना उस भिखारन के पास। तुमने जिस लड़की पर हाथ उठाया ना तुम्हें नहीं पता वो मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। चलो मैं तुम्हें सब कुछ सच्चाई बताता हूँ आओ मेरे साथ। आइए भैया आप दोनों बैठिए यहाँ मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सैम कौन है ये लड़की जिसके लिए तुम मुझे थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो गए थे? सताक्षी ये लड़की जिसके साथ तुमने आज इतनी बदतमीजी की ना और तुमने मुझे हर्ट किया ये ना मेरी मुंहबोली बहन है। और इस लड़की ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं गांव से शहर आया था और मेरे पास मेरे खर्चे उठाने तक के पैसे नहीं थे और नौबत ये आ गई थी कि मैं अपना फोन बेचने के लिए शॉप पर चला गया। ये फोन बेचना था। कब लिया आपने? अभी बस 3 महीने पहले ही खरीदा है। कुछ दिक्कत तो नहीं भैया? अरे नहीं नहीं भैया कैसी बात कर रहे हो चोरी वोरी का तो नहीं है? अरे नहीं नहीं चोरी का नहीं है मेरे पास तो इसका बिल भी है। तो बेच क्यों रहे हो? वो थोड़ा ना पैसों की जरूरत थी इसलिए। भैया एयरपोर्ट से खाना। भैया आप यहाँ? अरे यांशी तू क्या कर रही है यहाँ पे? मैं तो एयरपोर्ट लेने आई थी आप क्या कर रहे हो? मैं ना टेम्पर्ड लेने के लिए आया था। भैया मैं आपको 30,000 दे पाऊंगा। भैया आप अपना फोन बेच रहे हो क्यों? अरे ये ना काफी हैंग चलने लग गया था इसलिए। भैया 3 महीने पहले लिया है आपने आईफोन है वो सच सच बताओ क्या हुआ? वो कुछ नहीं मुझे ना पैसे की बहुत अर्जेंट जरूरत थी मुझे फ्लैट का किराया भी देना था और कॉलेज की फीस भी भरनी थी कोई और ऑप्शन था नहीं इसलिए फोन बेचने आ गया नहीं तो गांव वापस जाना पड़ता। और वैसे भी इतना महंगा फोन करना ही क्या है मुझे तो बस कॉल ही तो करनी होती है मैं 1,000-1,200 रुपए वाला फोन कोई ले लूंगा। सिर्फ बहन बोलते हो या मानते भी हो? भैया नहीं बेचना फोन हमें वापस दो आप चलो मेरे साथ। यांशी तो चलो चलो
पापा मुझे कॉलेज की फीस चाहिए। लेकिन बेटा वो तो एक महीने बाद जानी थी ना। मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, मुझे नहीं पता, फीस दो ना, सवाल मत पूछो। अच्छा कितने पैसे देने बेटा? 30,000। 30,000 दो ना। ये ले। ठीक है भैया, ये पकड़ो अपना फोन, और ये 30,000 रुपए। मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता, ये तेरी कॉलेज की फीस है। चुप हो जाओ, बिल्कुल बहुत मनमानी कर ली आपने, अब पकड़ो और कुछ भी चीज बेचने की जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत हो तो आपकी बहन है। देखिए अंशु, मुझे नहीं लगता कि मैं तेरे पैसे लौटा भी पाऊंगा। मैंने आपसे बोला है लौटाने को। तो बहुत जिद्दी है ना। होना जरूरी है। अब तो मुझे खुद बताओ, वो इंसान मुझे सालों बाद मिला है जिसने मेरी इतनी मदद की, और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना उसकी वजह से हूँ। नहीं तो मैं फ़ोन बेचकर क्या करता, मैं गांव चला जाता और वापस से जाकर खेती कर रहा होता। और तुम्हें अच्छे से पता है कि बाप दादा की ज़मीन मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आज जो कुछ भी मैंने खड़ा किया है ना वो अपने बलबूते पे किया है। और जो आज तुम गाड़ी में शौक से घूम रहे हो ना, और अपने सारे शौक तुम पूरे कर रहे हो, वो भी सब उस लड़की की बदौलत है। और तुमने क्या किया, उस पर हाथ उठा दिया, और एक छोटी सी गलती। अरे तुम भी तो इंसान हो, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो तुम सीधा उस पर हाथ उठा दोगे? और सताक्षी, आज इसको इतनी मुसीबत में देख कर ना मुझे तो बहुत बुरा लगा है, और आज से ये लड़की मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। सैम देखो, या तो ये भिखारन उस घर में रहेगी या तो मैं, अब तुम चुन लो किसको साथ रखोगे। यार तुम कितने पत्थर दिल इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि सताक्षी तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। देखो तुम भले ही उन इंसानों को भूल जाओ जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन मैं उस इंसान को कभी नहीं भूल सकता। अरे उसने आज मेरा अच्छा वक्त लाया है, और वो देखो क्या कर रही है, एक चाय की टपरी पर काम कर रही है। नहीं, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, भले मुझे तुम्हारा साथ क्यों ना छोड़ना पड़ जाए। सताक्षी अब चॉइस तुम्हारी है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें यांशी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम जा सकते हो। ठीक है मैं जा रही हूँ, रहो अपनी भिखारन बहन के साथ। भैया ये भाभी कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, वो अब से हम दोनों साथ नहीं है। लेकिन क्यों, इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ ना? अरे नहीं नहीं, मैं उसको जानता हूँ, वो ना थोड़ी दिमाग की गरम है। तू आना, तू बैठ मेरे पास। भैया मेरी वजह से आपका घर तो खराब नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं उसको जानता हूँ, वो ना बहुत गुस्से वाली है, शांत हो जाएगी तो वापस आ जाएगी, और बाकी नहीं आई तो भाई बहन रहेंगे ना मिलके एक साथ। चल घर चल।